हेलो दोस्तों, मैं संतोष स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल व्लॉगर वीडियो में। आशा करती हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी है अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे। लॉकडाउन के बाद सारी चीज़ें व्यवस्थित हो रही है, सब कुछ लाइन पे आ रहा है, तो ऐसे में तीनों बच्चे अपने अपनी जगह जा चुके हैं। एक पाली गया, एक दिल्ली गया और एक जहाँ था वहाँ चला गया। घर में अब मैं अकेली रह गई हूँ अभिजीत के साथ। तो लॉकडाउन की कुछ ऐसी मीठी यादें हैं जिनको देखकर मन गुदगुदा जाता है। ये जो क्लिपिंग्स है वो मैंने अपलोड करने के हिसाब से नहीं, बस ऐसे ही फनी टाइप में बनाई थी, लेकिन अब अच्छी लग रही है तो क्यों ना आपके साथ शेयर करूं। तो लॉकडाउन के कुछ ऐसे मीठे मीठे पल हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यदि आपको अच्छे लगें तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और हंसे। वीडियो में आपको दिखाई दे तो ये मान लेना कि ये मम्मी की करम आत्मी है, ये हमारी थी जो हम अपने आप उठ। आज आप बड़े सुंदर लग रहे हैं, पता नहीं क्यों, इतने सुंदर क्यों लग रहे हैं आप। मेरे कैमरे का कमाल है या आपका पर्सनालिटी? माय गॉड, मैं तो हूं ही बहुत सुंदर। ये और बहम है इस बच्ची को, मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं। ये घाघरा तेरा मैचिंग कर रहा है टी शर्ट के साथ, तभी पहना है साफ कर ले। और ये हुए हैं तैयार, देखो साहब, वीडियो साहब, वीडियो ब्लॉगर साहब। ये मैं हूँ, ये मेरे दोस्त हैं और ये हमारी पारी हो रही है। क्या भाई साहब, क्या वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आज? आप लोग किस परपज से यहाँ पे बैठे हैं? दोनों बहुत ही अनुभवी, बहुत ही पहुँचे हुए सज्जन पुरुष है, महिला है, और अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंस के साथ में इस मंच पर बैठे हैं और इतने बिजी हैं कि बीच में फोन आते ही रहते हैं इनके। तो
और मैम ने मुझे मौका दिया, अवसर दिया कि मेरे को आपने चैनल पे फीचर करने के लिए बुलाया, तो मैम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद कि आप हमारे सामने आए, हमारे साथ आए, इतना कीमती समय आपने दे दिया। ड्यूटी पर होते हुए भी आप यहाँ हैं, ये हमारे सौभाग्य की बात है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो आज के बारे में बताइए, आज किस विषय पे आप करने वाले हैं? हमें सिर्फ फन करना है, कोई विशेष हमारा मकसद नहीं है। अच्छा, हमने सुना है आपका कैरेक्टर थोड़ा फनी टाइप का है, परिवार में तो फन भी खेलना है। सुना क्या आपने? देखा ही होगा। देखा भी है, सुना भी है, सुना ज़्यादा है, देखा तो कम है, क्योंकि आपको घर से गए 7 साल हो गए हैं। 8 साल कह सकते हैं। कमेंट मार रहे हैं, पिन कर रहे हैं, कमेंट भी मार रहे हैं, पिन कर रहे हैं हम आपको। हाँ जी बिल्कुल। ड्राई फ्रूट का बाग, चिराज बॉब का बाग, जो आपको अच्छा लगे, रबड़ी फालूदा विद आइसक्रीम, स्पेशल ड्राई फ्रूट का बाग है ना? यस। गर्मी मत सो, वही रहेगा जो तू कहे वही अच्छा है आज तो। इतनी तारीफ गाइस, मैं हूं निर्मल सारस्वत, संतोष जी का बेटा, और मैं आपका बिल्कुल स्वागत नहीं करता हूँ। आप स्वागत क्यों नहीं करते हो? ऐसे मैं अमन नहीं कर रहा, जबरदस्ती जब किसी को वीडियो में बिठाया जाए तो उसका खुद मन नहीं करता। वैसे लग रहे हो आप रूठे रूठे से, ऐसे रूठे रूठे क्यों? ऐसे मेरे सामने कैमरा आ जाता है, मैं डिसपॉइंट हो जाता हूँ। डिसपॉइंट क्यों होना चाहिए? आपको ज्यादा खुश होना चाहिए कि आप मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब मैं शायद इन सब चीजों के लिए नहीं बना हूँ, इसलिए ऐसा लगता है मेरे को। तो आप किस चीज के लिए बने हैं? अपने खुद का चैनल चलाने के लिए, और को अपना कंटेंट देने के लिए नहीं। मतलब आपको क्या लगता है, आप मेरे से अच्छा चैनल चला सकते हैं? जी बिल्कुल, थोड़े दिनों में कंपटीशन आएगा आपका, तब तक आप अपना मार्केट बनाएंगे, तब तक आप राज करिए, फिर भगवान जानता है क्या होने वाला है। क्या पता है, भगवान जी को पता है, दो लोगों को ही पता है, बाकी को पता नहीं। मुझे नहीं लगता कि आप मेरे से बेहतर कर पाओगे, समय बताएगा। देखिए मैं तो अपने मुंह से मेरी कितनी तारीफ करूं, कम हो जाएगी। वैसे वो आप तारीफ के काबिल, लोग आपकी बहुत तारीफ करते हैं जी। लोग मतलब ही है, मतलब ही तो तारीफ नहीं करेंगे, मतलब ही तारीफ सबसे ज्यादा करते हैं, हद से ज्यादा तारीफ मतलब ही करते हैं। अच्छा, असली जो तारीफ का व्यक्तिगत अनुभव है। हाँ, पर असली जो तारीफ है वो अपने चाहने वाले करते हैं, वो बहुत कम है। आपके चाहने वाले बहुत कम है, क्यों? किस वजह? वो चाहने वाले जो जिनको मैं भी सामने से चाहता हूँ, वो बहुत कम है। यानी लोग तो आपको बहुत चाहते हैं, आप लोगों को नहीं चाहते? नहीं, ज्यादा लोगों को नहीं चाहता मैं। अकेला रहना पसंद करते हो? हाँ, मैं व्यक्तिगत रूप में अकेला रहना पसंद करता हूँ। तभी आप इतने दूर दूर बैठे हो हमसे कुर्सी पे। हाँ, ऐसे मान लो मतलब स्वभाव से पता चल ही जाता है व्यक्ति की, व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति शांत व्यक्ति है। जैसे इनको बहुत कीड़े करने का शौक है, देख रहे होंगे आप, दूर बैठा है तो मतलब अकेले रहने का शौक, कुछ भी सोचते हैं लोग। ऐसे लग रहा है जैसे आप झगड़ा करके बैठे अपनी माँ से, ऐसे लग रहा है। अरे क्यों, वीडियो चैट, तू वीडियो चैट के शौक में तो कोनी है नहीं कटी। ये क्या है?